नमस्कार, मैं प्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरों को। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर घर घर विराजेंगे भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हर कोई विलीन है। आज और कल दोनों दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 12 अगस्त को अष्टमी तिथि सूर्योदय काल से शुरू होकर के दिन में 11:16 पर यह रहेगी। यही कारण है कि 11 और 12 अगस्त दोनों के दिन अष्टमी तिथि के चलते जन्माष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। हालांकि मध्यरात्रि के समय अष्टमी तिथि केवल 11 तारीख को ही उपस्थित रहेगी, इसीलिए इस दिन जन्माष्टमी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिषों की माने तो इस बार जन्माष्टमी पर अष्टमी तारीख और रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बनेगा, लेकिन 11 तारीख को उदयकालीन तिथि को सप्तमी होगी। सुबह 9:06 से ही अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। यह तिथि पूरे दिन और रात में व्रत के पलायन के समय भी उपस्थित रहेगी। 12 को 11:16 के बाद नवमी होगी। इस बार 11 अगस्त को चंद्रोदय रात्रि 11:40 पर होगी। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक बार फिर जारी किया आदेश। बिहार चुनाव को लेकर के जारी असमंजस चुनाव आयोग ने साफ करते हुए एक बार फिर से साफ तौर पर कह दिया है कि चुनाव एकदम अपने निर्धारित वक्त पर ही करवाया जाएगा। कोविड-19 के इस माहौल में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार विपक्षी दल बयानबाजी करते नजर आ रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में तय समय पर विधानसभा चुनाव के मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोरा ने कहा है कि कोविड-19 के इस माहौल को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही है। इस प्रकार चुनाव आयोग ने कोविड-19 के मद्देनजर चुनाव को स्थगित कराने की मांग को खारिज कर दिया है। मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग बिहार विधानसभा चुनाव समय पर कराने की तैयारी कर रहा है। बिहार बोर्ड के छात्रों को एडमिट कार्ड लेने के लिए सेंटर परीक्षा पास करना हुआ अनिवार्य। बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले छात्र को फॉर्म भरने के बाद सेंटर परीक्षा पास करने के बाद ही एडमिट कार्ड मुहैया करवाया जाएगा। सेंटर परीक्षा पास नहीं करने वालों को एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि स्कूल कॉलेज सेंटर परीक्षा में पास होने वाले और फेल छात्र छात्राओं की सूची अलग अलग तैयार करेंगे। इसके आधार पर ही एडमिट कार्ड उन्हें मुहैया करवाई जाएगी। जो छात्र सेंटअप की परीक्षा में फेल हो जाएंगे, उन्हें स्कूल में परीक्षा फॉर्म की राशि वापस करने के लिए आवेदन देना होगा। इसके बाद उनकी राशि वापस कर दी जाएगी। बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि इंटर परीक्षा 2019 परीक्षा में सफल छात्र जो किसी एक विषय में जो उन्होंने पहले नहीं लिया हो उनकी परीक्षा वो दे सकते हैं। सहायक प्रोफेसर की भर्ती को लेकर जारी की गई जरूरी सूचना। सहायक प्रोफेसर नियुक्ति के नियम को लेकर के राज्यपाल फागू चौहान ने बीते दिन मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्यों के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की बहाली में शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक और साक्षात्कार के लिए 15 अंक रखने का फैसला सुनाया गया है। पीएचडी के लिए 30 और एमफिल के लिए 7 अंक निर्धारित किए जाने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही नेट के लिए 7 अंक, नेट के लिए 5 और फिर स्लिप अप या फिर सेंटअप के लिए 3 अंक मिलेंगे। कुल 115 अंक के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष तय की गई है। वहीं सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अंक देने की पूरी प्रक्रिया को आधिकारिक वेबसाइट पर साझा कर दी गई है, जहां पर जाकर सभी अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया की पूरी जानकारी ले सकते हैं। बिहार के स्कूलों में उपलब्ध साधन और सुविधाएं 15 अगस्त तक राष्ट्रीय पोर्टल पर दर्ज करने की कही बात। बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के सभी सरकारी स्कूल का डेटा यूडाइस प्लस अर्थात एकीकृत जिला सूचना प्रणाली में दर्ज किया जाएगा। डेटा स्कूल, प्रखंड और जिला स्तर पर दर्ज होने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 4-5 दिनों में सिर्फ यूडाइस प्लस में दर्ज करना होगा, बल्कि उन्हें सत्यापित और प्रमाणित भी करना होगा। यूडाइस में स्कूलों से संबंधित सभी जानकारी साझा की जाएगी। स्कूल का नाम, पंचायत, प्रखंड और जिला के बाद स्कूल की आधारभूत संरचना, कितने भवन है, कितने वर्ग कक्ष है, कितने टेबल बेंच है, कितने शिक्षक मौजूद है, कितने नामांकित छात्र है, इसके अलावा शौचालय, पेयजल समेत सभी जानकारियों को पंजीकृत करवाना होगा। शैक्षणिक सत्र 2018-19 में केंद्रों ने सभी राज्यों के लिए यूडाइस प्लस में डेटा अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। मुंबई में क्वारंटाइन किए गए बिहार के आईपीएस अधिकारी के नाम बनाया गया फर्जी ट्विटर हैंडल। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में छानबीन करने मुंबई पहुंचे आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी के नाम पर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने का काम शुरू हो गया है। सिटी एसपी विनय तिवारी के नाम पर एक फर्जी अकाउंट बीते दिन देखने को मिला था, जिसकी जानकारी जैसे ही पटना पुलिस के अधिकारी समेत विनय तिवारी को मिली, अकाउंट को तुरंत रिपोर्ट करके बंद करवा दिया गया। इस वजह से अकाउंट में उनके नाम से कई सारे ट्वीट भी किए गए हैं। विनय तिवारी को मिली जानकारी के अनुसार विनय तिवारी मुंबई में क्वारंटाइन किए गए थे, जिसके बाद कई बातों का जिक्र था। इस फर्जी ट्विटर हैंडल के बारे में विनय तिवारी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है और ट्विटर से इसे बंद करने की बात कही है। 12वीं के छात्रों ने प्लास्टिक कचरे से बायोफ्यूल प्लांट का बनाया मॉडल। मुजफ्फरपुर के 12वीं के छात्रों ने प्लास्टिक के कचरे से बायोफ्यूल प्लांट का नया मॉडल बनाया है। इसमें प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल करके डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी आदि एडमिन बनाए गए हैं। छात्रों की माने तो यह मात्र 40 रुपए में 1 लीटर डीजल तैयार करने का सामर्थ्य रखता है। इस सबसे मिनिमम कॉस्ट है, जिसमें से 2 करोड़ रुपए के खर्च में शहर को प्लास्टिक कचरे से निजात मिलेगी और 13 करोड़ का सालाना राजस्व भी मिल सकता है। आशुतोष के इस मॉडल प्रोजेक्ट को जिला उद्योग केंद्र ने मंजूरी दे दी है। इसका प्लांट चालू करने के लिए पीएमईजीपी के तहत पहले
चरण में 25 लाख रुपए लोन स्वीकृति का प्रस्ताव भेज दिया गया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के पहल पर प्रोजेक्ट के मॉडल का लद्दाख में सफल ट्रायल हुआ था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने भी कई दिनों तक ट्रायल देखा था, फिर प्रोजेक्ट को इको फ्रेंडली फ्यूल का प्रमाण पत्र देते हुए फ्यूल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहतर कदम बताया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता से ईडी ने फिर की पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ईडी लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से इसी को लेकर हर दिन कई नई बातों का खुलासा भी हो रहा है। वहीं इसी बीच अब एक नया खुलासा सुशांत सिंह राजपूत के जुड़े एक कंपनी को लेकर हुआ है। पिछले एक साल में उनकी कंपनी के इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस को 12 बार बदला गया है। सुशांत के जाने के बाद यानी 14 जून के बाद 3 बार इस आईपी एड्रेस को बदल दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि आखिरी बार भी उससे पहले आईपी एड्रेस बदला गया था जब रिया चक्रवर्ती को ईडी ने 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले आईपी एड्रेस के साथ भी फिर बदल किया गया है। इससे कई सवाल उठ रहे हैं, जो पता चलेगा कि बार बार आईपी एड्रेस बदलने का मकसद क्या है। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी 4 कंपनियों में 2 का पेटेंट करवा रखा था। इनमें से एक कंपनी के निदेशक रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती थे। ये स्टार्टअप के तहत इस कंपनी को सितंबर 2019 में निबंधित कराया गया था। बिहार सरकार ट्रांसपोर्टर को देने वाली है चुनावी सौगात। बिहार सरकार सभी ट्रांसपोर्टरों को जल्द ही चुनावी सौगात देने वाली है। कोविड-19 के संक्रमण की वजह से ट्रांसपोर्टर व्यवसाय बुरी तरीके से प्रभावित है, जिससे जुड़े लगभग 3 लाख से अधिक कारोबारियों को सरकार ने मदद के लिए हाथ बढ़ाने का फैसला लिया है। वैसे परिवहन विभाग पहले ही 3 महीने के टैक्स में छूट दिए गए थे और अब आगे भी 3 महीने के टैक्स में राहत देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि परिवहन विभाग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी तैयारी तेजी से चल रही है। ट्रांसपोर्टरों ने पिछले दिनों बिहार सरकार को अपनी परेशानी से अवगत कराया था, जिसके बाद सरकार ने उनके हित में इस फैसले को लागू करने पर सोच विचार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के लगभग 8% ऐसे है जो इस कारोबार से जुड़े हुए, और यही वजह है कि सरकार ऐसे बड़े वोट बैंक को खुश करने के लिए बड़ी रियायत दे सकती है। बिहार में बाढ़ से 74 लाख आबादी बुरी तरीके से है प्रभावित। बिहार में बाढ़ की वजह से लगभग 74 लाख आबादी बुरी तरीके से प्रभावित है। आपदा विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल के अंदर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर और मधुबनी, मधेपुरा, सारण जिले में 126 प्रखंड प्रभावित है। इसके साथ ही 1244 पंचायत की संख्या भी हो गई है। इन जिलों में 74,40,418 लोग बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है। वहीं असंक्रमित जनसंख्या 5,08,426 है। कुल मिलाकर 7 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां पर प्रभावितों को रखा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग को 16 जिले में 1,239 सामुदायिक रसोई चला रहे हैं, जिसमें से 9,39,893 लोग हर दिन सामुदायिक रसोई में भोजन कर रहे हैं। आपदा विभाग के आंकड़ों के अनुसार 24 लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसमें दरभंगा के 2, पश्चिम चंपारण के 4, सिवान में 2 और मुजफ्फरपुर के 6 लोगों का नाम शामिल है। विधानसभा चुनाव के लिए 12 राजनीतिक दलों ने बनाए 1.23 लाख बूथ लेवल एजेंट। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने कुल मिलाकर 1,23,000 बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं। इनमें सबसे ऊपर राजद का नाम है। राजद ने अकेले ही 50,268 बूथ लेवल एजेंट को खड़ा कर दिया है। दूसरे नंबर पर भाजपा और तीसरे नंबर पर जदयू है। भाजपा ने 38,713 बूथ लेवल एजेंट बना दिए, वहीं जदयू ने 26,864 एजेंट बनाए हैं। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी महज 2,244 बूथ लेवल एजेंट बनाने में सफल हो पाई है। वहीं बूथ लेवल एजेंट की पूरी सूची निर्वाचन विभाग ने अपने वेबसाइट पर जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने इसकी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट बनाने की बात कह दी है। राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए बूथ लेवल एजेंट मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करने में DNA की मदद करते हैं। RT-PCR की जांच की संख्या में होगी बढ़ोतरी। बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए RT-PCR से जांच की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए हाल ही में समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया गया था, जहां पर PMCH के कोविड-19 संक्रमितों के साथ साथ चिकित्सा सुविधा जल्द से जल्द बहाल करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दे दिया है। प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल की सुविधाओं की समीक्षा भी की है। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी विभाग के RT-PCR जांच बढ़ाने का भी निर्देश दिया है, जिसके तहत अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक ने बताया है कि RT-PCR जांच के लिए मशीन भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए जांच की संख्या कम है, हालांकि यह व्यवस्था अगर सुनिश्चित तौर पर हो जाए तो जांच की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जिसके बाद प्रधान सचिव ने ऑटोमेटिक RT-PCR मशीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। अधीक्षक ने बताया है कि कोविड-19 अस्पताल में हर चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी ने रिया चक्रवर्ती, भाई और पिता का फोन किया जब्त। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मनी ट्रेल को लेकर जांच कर रही ईडी ने अब बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत विभाग ने रिया और उनके परिवार पर सख्त एक्शन लेते हुए उनके फोन को फिलहाल जब्त कर लिया है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, इन तीनों के फोन को ले लिया है। बीते दिनों काफी लंबे समय तक पूछताछ की गई थी, लेकिन ईडी को इनके बयान संतोषजनक नहीं लगे। साथ ही इनके बयान भी आपस में मेल नहीं खा रहे थे। ऐसे में सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए फोन ले लिया गया है। वहीं रिया चक्रवर्ती ने प्रदेश निदेशालय को अपने ITR
दे दी है। खबरों की माने तो साल 2017-18 में रिया चक्रवर्ती ने आईटीआर से 18.75 लाख रुपए की कमाई दिखाई है और साल 2018-19 में 18.23 लाख की बताई है, जिसके बाद इन सालों में जितनी कमाई की है उतनी आय दिखाई नहीं है, क्योंकि ईडी द्वारा की गई पूछताछ में रिया ने बताया कि उनके मुंबई में 2 फ्लैट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेपाल की तरफ से बांधों की मरम्मत में सहयोग नहीं मिलने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में साफ तौर पर कहा है कि बिहार में हर साल नेपाल में होने वाली बारिश की वजह से बाढ़ की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, फिर भी पिछले कई सालों से बांधों की मरम्मत में नेपाल सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आपदा से निपटने के लिए सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बेहतर तालमेल होने की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे सभी राज्यों को मदद मुहैया करवाने का आश्वासन भी दिया है। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में प्रभावितों की कुल संख्या 22,69,052 पर पहुंच गई है। वहीं जान गंवाने वालों की संख्या 45,361 पर पहुंच गई है। प्रभावित राज्यों की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में 5,24,513 मामलों की पुष्टि की गई है, वहीं तमिलनाडु में 2,96,901 मामलों की और आंध्र प्रदेश में 2,27,807 मामलों की, कर्नाटक में 1,78,087 मामलों की, वहीं दिल्ली में 1,46,114 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। हालांकि कुछ राज्यों में रिकवरी दर संतोषजनक देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के इस माहौल में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाने का फैसला कितना सही है कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।